हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए सम नेचुरल फेनोमेना का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और जहां कहीं भी डाउट हो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे चैप्टर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो साइंस का चैप्टर या फिर मैथमेटिक्स का चैप्टर हो। तो चलिए मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, वो है लाइटनिंग कंडक्टर डिस्ट्रॉयज द बिल्डिंग। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है किसी भी बिल्डिंग में, है ना, लाइटनिंग कंडक्टर को है ना इंस्टॉल किया जाता है। कोई मेटल होता है किसी बिल्डिंग पे, उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है और उसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो वो क्या करता है, डिस्ट्रॉयज द बिल्डिंग, बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है या बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है, या डज नॉट अफेक्ट द बिल्डिंग, या नन ऑफ द एबव। तो जब भी है ना लाइटनिंग कंडक्टर किसी बिल्डिंग पे रखा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि जब भी आसमानी बिजली कड़केगी और नीचे गिरेगी, तो ये है ना इसके थ्रू है ना जमीन के अंदर पास कर जाए, तो ये बिल्डिंग हमारा है ना सुरक्षित रहे। तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्ट्स द बिल्डिंग, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन है, वो है लाइटनिंग ऑकर्स ड्यू टू। तो बारिश के दिनों में क्या होता है ना, बादल बहुत होते हैं इस तरह के, तो उसके ऊपर है ना प्लस चार्जेस जमा हो जाते हैं और इसके नीचे है ना माइनस चार्जेस जमा हो जाते हैं। तो इन दोनों में जब अट्रैक्शन होता है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क, इलेक्ट्रिकल स्पार्क निकलता है, उसके कारण है ना लाइटनिंग हमें देखने को मिलती है। तो जो जब इन दोनों मिलेंगे ना एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क निकलेगा, तो उसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा जो लाइटनिंग होती है ना, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की वजह से होती है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, वो है लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो मैंने अभी तुरंत बताया था बिल्डिंग पे जो लगा होता है, वो क्यों यूज होता है, तो यार आर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो पहला लाइटनिंग फ्लैशेस, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड चौथा है थंडर स्टॉर्म। तो ये होता है ना लाइटनिंग फ्लैशेज होती है, जो बिजली की स्पार्क्स होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी की, या जो भी होता है वो आपको देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क्स होता है बिजली की, उससे है ना हमारे बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो लाइटनिंग कंडक्टर्स यूज होता है लाइटनिंग फ्लैशेस से प्रोटेक्ट करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन वो है, वेयर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच्ड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। जो लाइटनिंग रॉड होता है ना, वो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए कहाँ पर लगाया जाता है। मैंने तुरंत थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के क्या होता है ना, सबसे ऊपर में है ना लाइटनिंग रॉड है ना लगाया जाता है, और ये जमीन के अंदर तक रखा होता है। तो ये है ना ये पास कर जाता है, जो ये बिल्डिंग के टॉप पे लगा होता है और ये जमीन के नीचे तक ग्राउंडेड होता है। तो ये है ना ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग लगाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन है, वो है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। तो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ओके, ये होता है अर्थ का कुछ स्ट्रक्चर होता है ये, मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। एंड ओके, तो आपका जो ये होता है ना, ये पार्ट होता है ना, ये आपका होता है इनर कोर, इसको कहते हैं इनर कोर, इनर कोर। ये रेड वाला हो गया, ये हो गया आपका आउटर कोर। एंड ये जो ग्रीन कलर का आपको दिखता है, इसको कहते हैं मेंटल। एंड जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है आपका ना, ये होता है क्रस्ट। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सिक्स्थ क्वेश्चन वो है, द अर्थ प्लेट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक। अर्थ का कौन सा प्लेट है ना जो भूकंप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो भूकंप आता है ना, वो उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर पे आता है, ये प्लेट पे। तो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे क्या है, क्रस्ट है हमारा, ये वाला प्लेट है। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, वो है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट कॉजेस। जो अर्थ का प्लेट होता है उस पर मूवमेंट की वजह से क्या आता है या क्या होता है। पहला ऑप्शन है साइक्लोन्स, सेकेंड है लाइटनिंग, थर्ड है अर्थक्वेक एंड चौथा है थंडर स्टॉर्म। तो जो अर्थ का प्लेट मूवमेंट करता है ना, उसकी वजह से भूकंप आता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। एट्थ नंबर क्वेश्चन वो है सुनामी मीन्स। सुनामी मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक, फ्लड, अर्थक्वेक अंदर सी, समुद्र के अंदर है ना भूकंप आना। तो अर्थक्वेक सुनामी में क्या होता है ना, समुद्र की से बहुत सारे पानी है ना शहर की तरफ घुस जाते हैं, बहुत बड़ा है ना ये डिस्ट्रक्शन होता है। तो वो क्या होता है ना, सुनामी में एक्चुअली जो समुद्र हो गया उसके अंदर है ना अर्थक्वेक आता है, एंड डेट वे ये पानी का फ्लो है ना बाहर की तरफ होने लगता है, डेट वे सुनामी होता है। तो आंसर हो जाएगा, सुनामी का मतलब होता है अर्थक्वेक अंडर सी। आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी।
नाइन्थ क्वेश्चन है वो है रिएक्टर स्केल इज रिलेटेड टू थंडरस्टॉर्म, थर्मोमीटर, अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग। आंसर हो गया अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप को है ना रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, एंड जो जिसका भी रिएक्टर स्केल पे जिस भी भूकंप का माप है ना 5 या 5 से ज़्यादा होता है उसको खतरनाक माना जाता है। तो रिएक्टर स्केल है ना अर्थक्वेक से रिलेटेड है, आंसर सी हो जाएगा अर्थक्वेक। 10th नंबर क्वेश्चन वो है कंसीडर द लिस्ट ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, लाइटनिंग। लाइटनिंग यहाँ तक है, ये अलग सा है बुक में, थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अब क्वेश्चन है ये आपका अर्थक्वेक्स कैन कॉज, अर्थक्वेक के कारण क्या क्या हो सकता है। तो अर्थक्वेक के कारण सुनामी आ सकता है, समुद्र के अंदर है तो सुनामी आ सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है जो पहाड़ों में अगर आता है तो लैंडस्लाइड हो जाएगा, फ्लड्स बाढ़ आ सकता है सुनामी की वजह से पानी है ना गांव घर में घुस जाएगा या शहर में तो उसके कारण बाढ़ भी हो सकता है, लेकिन लाइटनिंग नहीं होगा अर्थ के कारण। तो 1, 2 एंड 3 इसके कारण होगा, तो 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11th नंबर क्वेश्चन वो है द वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ सरफेस आर कॉल्ड, तो अर्थ के सरफेस पे है ना सिस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। ओके आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन वो है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो अर्थक्वेक अर्थ के सरफेस पे कौन सा वेव्स होता है, सिस्मिक वेव्स होता है। ओके सिस्मिक वेव्स होता है, एंड इसको मापने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ। ओके तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आई होप कि आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आए होंगे, अगर कोई डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।